Prospect Limited is currently operating at 80% of its production capacity, producing and selling 4,000 units of a product. हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का सम कर रहे हैं, मतलब एक कॉस्ट शीट दिया रहेगा उसके बेसिस पे अपने को फ्यूचर वाला बनाना है. क्या करना है? एक दिया रहेगा उसके बेसिस पे अपन को फ्यूचर वाला बनाना है, राइट? सो करेंटली हम 80% कैपेसिटी में ऑपरेट करते हैं, 4000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. तो 80% के हिसाब से सारा खर्चा दिया हुआ है. उसके बाद लिखता है फॉलोइंग चेंजेस आर एंटिसिपेटेड इन द कमिंग ईयर, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का सम है. सम्स ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, राइट? सो सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है 16-17 का, जहां पे प्रोडक्शन एंड सेल है 4000 यूनिट, राइट? बोला फॉलोइंग चेंजेस वेर एंटिसिपेटेड इन द कमिंग ईयर, वो एस्टिमेटेड है. फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू अचीव, इसका मतलब 80% कैपेसिटी में 4000 यूनिट है तो 100% कैपेसिटी में कितना होगा? 5000 यूनिट हो जाएगा, यस और नो? 100% में कितना हो जाएगा? 5000 यूनिट हो जाएगा, बोलो. 80% में अगर 4000 है तो 100% में कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, यस और नो? अच्छा, रेट ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस बाय 25%, भाव 25% से कम हो जाएगा लेकिन कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय 40%. चीप क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करने से ज्यादा खरीदना पड़ता है, राइट? ठीक है. लेबर रेट विल गो अप बाय 25%, एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 120%. एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट कम आता है लेकिन रेट भी बढ़ा है 25% से, ठीक है. चार्जेबल एक्सपेंसेस वुड बी डबल इन टोटल, 80 का डबल हो जाएगा. प्रोडक्शन ओवरहेड विल डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, देखते हैं. प्रॉफिट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट? और ट्रेड डिस्काउंट है 16 2/3%. हम लोगों को एमआरपी निकालना है. नाउ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे और ओरिजिनल कॉस्ट शीट में एक पर यूनिट कॉलम भी रखा है हमने. जैसे रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 6,40,000 दिया हुआ है, हाँ ना? इज इट फाइन? तो 4000, 6,40,000 डिवाइड बाय 4000 कितना होता है? पर यूनिट प्राइस मेरा 160 आएगा, राइट? पर यूनिट प्राइस मेरा 160 आएगा, ध्यान दीजिएगा. लेबर कॉस्ट बोलो, हाँ, टोटल 480 है डिवाइड बाय 4000, 120. चार्जेबल एक्सपेंसेस 80 है पर यूनिट, बोलो, 4000, 80,000 बाई 4000 कितना? 20. सो दिस इज प्राइम कॉस्ट, कितना आ रहा है? 12,00,000. एड प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट?
प्रोडक्शन ओवरहेड 240,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 4,000 कितना, 60। हाँ या ना? सो वर्क्स कॉस्ट है 360 एंड दिस इज 14,40,000। एड ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड बोला है 2,00,000, ठीक है ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाय 4,000 50 आएगा। चार सौ दस सोलह लाख चालीस हजार है ना? अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स्ड है। हाँ ऑफिस ओवरहेड ठीक है, 100% वेरिएबल। ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूशन भी तो आएगा ना अलग से। ठीक है सेलिंग ओवरहेड कितना है, सॉरी सेलिंग ओवरहेड में डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा 1,60,000। 1,60,000 डिवाइड बाय 4,000 40 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका दो पार्ट है फिक्स्ड वेरिएबल, 1/3 फिक्स्ड है ना, 2/3 वेरिएबल है। तो अभी 1/20 में 40,000 फिक्स हो गया, उसका एवरेज 10 आ रहा है और 2/3 वेरिएबल आ गया है ना, तो 1,20,000 का 2/3 आएगा 80,000। है ना? तो 80,000 बाई 4,000 एवरेज आएगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया कितना, 480 और टोटल आ रहा है बोलो 19,20,000 प्लस प्रॉफिट विल गिव अस सेल्स। तो सेल पर यूनिट 600 है, है ना? तो 600 × 4,000 कितना होगा बोलो, 24,00,000। तो ये 120 4,80,000 तो ये कॉस्ट शीट मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमको कुछ करना नहीं है इसमें। ये कॉस्ट शीट हम लोगों को क्यों बनाना पड़ा, काफी सारा डेटा यहां से मिलेगा। जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए लिखा है रिकवर्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
तो प्रोडक्शन ओवरहेड का रिकवरी रेट कैसे आएगा? ओवरहेड बाय लेबर कॉस्ट इनटू 100, दैट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड में लिखा है रिकवर्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, साफ साफ लिख दिया। प्रॉफिट पर यूनिट सेम रखना है तो उस लिए भी हमको यह चीज निकालना था। तो जब भी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का समय आएगा, इट इज बेटर रॉ मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, काफी सारा चीज चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल वाला पर यूनिट चाहिए, सेलिंग ओवरहेड पूरा वेरिएबल है इसका पर यूनिट चाहिए। यस और नो? सो हम लोगों को काफी सारा चीज चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों को नहीं चाहिए। तो ये अपने को बनाना ही था, इसको नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा काम। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 17-18 वाला, राइट? हटा दें इसको। हाँ, पांच हजार यूनिट है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में ध्यान दीजिएगा, 5000 यूनिट है। ठीक है, रॉ मटेरियल ओरिजिनल कॉस्ट शीट में पर यूनिट क्या था? 160 था ना।
लिखा है रेट ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड बाय 25% इनटू 75%, 25% कम हो गया मतलब 75% लगेगा, लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज होगा कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बाय 40% ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी, मतलब इनटू 140% ओरिजिनल रेट में प्राइस चेंज और यूसेज चेंज, प्राइस चेंज में 25% का फायदा हुआ है, यूसेज में 40% ज्यादा लगा है, मतलब पहले अगर 1 किलो लगता था अब 1.4 किलो लगेगा, राइट कितना 168 इंटू 5000 कितना 8,40,000 डन। लेबर कॉस्ट कितना है पर यूनिट लेबर कॉस्ट 120 है, हाँ 125% एफिशिएंसी 20% है ना, सॉरी 120% ना, मतलब एफिशिएंसी अच्छा होने से कॉस्ट कम होता है, तो पहले अगर 120 लगता था एफिशिएंसी 20% से बढ़ा, मतलब कॉस्ट अब 100% लगेगा ना, क्या हुआ पढ़ो लेबर वाला पढ़ो, ठीक है ना, एफिशिएंसी इंप्रूव होने से खर्चा कम लगेगा, सिंपल सा एग्जांपल देखिए, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा स्टैंडर्ड टाइम बाय एफिशिएंसी, तो यहां पर भी वही है, जो हमारा शुड बी कॉस्ट है बाय एफिशिएंसी करने से हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा,
हाँ या ना? इनटू रेट 25% से बढ़ा है तो इनटू 125, ठीक है, कितना आ रहा है? 125 इंटू 5,000, बोलिए 6,25,000। एफिशिएंसी इज स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम, ठीक है ना? तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम बाय एफिशिएंसी, इसका मतलब शूट कॉस्ट बाय एफिशिएंसी करने से हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, उसमें फिर रेट वाला मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? चार्जेबल एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला है? वुड बी डबल्ड इन टोटल। तो पहले टोटल 80 था ना, अब 160, तो 160 बाय 5,000 करो, थर्टी टू। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? 325, हाँ या ना? और टोटल बताओ तो 16,25,000। एड प्रोडक्शन ओवरहेड, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो 50% ऑफ 6,25,000 जो भी आएगा माइनस 20% कर देंगे। 50% ऑफ लेबर कॉस्ट जो भी आएगा माइनस 20% लिखा है। हाँ, 2,50,000, ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड है, कितना है? तो फिक्स्ड है तो टोटल में ही जाएगा, चेंज नहीं होगा वॉल्यूम के साथ, बाकी सब चीज वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं होगा। तो आप 5,000 से डिवाइड करके एवरेज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ना तो एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसा होता है। पिछला बार देखो 4,000 का 2,00,000 का एवरेज कितना आया था? 50। अब 5,000 का एवरेज कितना आएगा? 40। कितना है? 7,00,000 ओवरहेड तो पूरा वेरिएबल है, कितना करके आया था? नहीं नहीं पर यूनिट, तो अभी भी पर यूनिट 40 लगेगा, अभी भी पर यूनिट 40 लगेगा ना, वेरिएबल है, जैसे जैसे आउटपुट वेरी करेगा वो भी वेरी करेगा, तो पर यूनिट 40 लगेगा, तो 5,000 का 2,00,000।
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का फिक्स्ड अमाउंट कितना था? 40,000। तो वो टोटल में आएगा, आप डिवाइड बाय 5,000 करके एवरेज 8 आएगा। ये फिक्स्ड वाला पार्ट का है। वेरिएबल का पर यूनिट कितना था? 20। तो 20 नू 5,000 करने से 1,00,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? ये पर यूनिट बोलो ना, 415, 48 और 455, हाँ 483। और ये 24,15,000। प्रॉफिट पर यूनिट सेम रखने बोला 120, तो 5,000 का हो जाएगा 6,00,000। तो सेल्स कितना आया? 30,15,000। ठीक है, सो कैटलॉग प्राइस क्या आएगा? 603 में से 16.67% माइनस कर दो, 502 रुपीज में आएगा ये। सेल में से डिस्काउंट माइनस कर देना तो मेरा कैटलॉग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इज इट फाइन?